फ्रेंड्स, माय नेम इज सूफी अयाज, आई एम ए मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। आज का मेरा टॉपिक है सुपरस्टार सेल्स सीक्रेट। और सेल्स सीक्रेट की अगर मैं बात करता हूं, सेल्स की अगर मैं बात करता हूं, जिसमें काफी पैसा भी है, प्रेशर भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, और आगे बढ़ने के लिए कई अपॉर्चुनिटी है और अपनी जिंदगी को बेहतर भी बनाया जा सकता है, इसी के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है ABCDEF। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। ए जो पहला अल्फाबेट है मेरे फॉर्मूला का, पे अटेंशन टू द कस्टमर। अटेंशन की अगर मैं बात करता हूं, एज ए सेल्समैन और सेल्स एग्जीक्यूटिव मेरे को जानना पड़ेगा कि कस्टमर की नीड क्या है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। विदाउट नीड आप कस्टमर के अटेंशन को ग्रैब नहीं कर सकते, और अपने कस्टमर को जानने के लिए, उसकी नीड को पहचानने के लिए, उसके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा, रेगुलर मिलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या जरूरत है उसको। होटल में गए, वेज या नॉन वेज, जैसे क्वेश्चन करके मैं जानता हूं वेज, तो उसके हिसाब से मैं वेज सर्व करता हूं। ऐसे मेरे कस्टमर को भी पहचानने के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्वेश्चंस के साथ साथ उसके साथ रेगुलरली मेरे को बातें करनी पड़ेगी, सो दैट मैं उसके अटेंशन को, उसके नीड को पहचान सकूंगा और अपने प्रोडक्ट को सर्व कर सकूंगा। सेकेंड अल्फाबेट है बी, बिल्ड द ट्रस्ट। ट्रस्ट की अगर मैं बात करता हूं अपने कस्टमर के लिए, तो मुझको कस्टमर के ट्रस्ट को बनाने के लिए सबसे पहली चीज होती है कि उससे मैं रेगुलर मिलूं, रेगुलर मिलते रहूं, ये बताते रहूं कि सर मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, और मिलते मिलते मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, अपनी सिंसेरिटी बताऊं, अपना ट्रस्टवर्थीनेस बताऊं। और याद रहे, कभी भी अनफेयर डील ना करूं, कुछ भी ऐसी चीज ना करूं जिसमें कस्टमर की इक्विटी और इमेज कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अपने कस्टमर को चीट कभी ना करें। डेवलप दैट काइंड ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बाय रेगुलर मीटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। थर्ड अल्फाबेट मेरे फॉर्मूला का है क्लियर विथ योर सेल्स मैसेज। मेरे कस्टमर को पता होना चाहिए और मुझको एज ए सेल्समैन मुझको पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट में क्या यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है। बहुत क्राउडेड मार्केट है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में उतर चुकी हैं। आपको अगर अपना पोजिशन बनाना है और आगे बढ़ना है, तो आप अपने प्रोडक्ट को सबसे अच्छे से जाने, उसकी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन को पहचाने कि ऐसी क्या चीज है जिसमें आपका कस्टमर आपको प्रोडक्ट को लेगा, वापरेगा, यूज करेगा, बार बार लेगा, और खूब पैसा आप भी कमाएंगे, कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन रहेगा आपके प्रोडक्ट को। तो मेरे कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मुझको जानकारी होनी चाहिए, और वो डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट में ऐसी क्या यूएसपी है जो मेरे कस्टमर को जानकारी होनी चाहिए। फोर्थ अल्फाबेट में बोलता हूं डेडिकेट टू डिसिप्लिन, डी डेडिकेट टू डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की बात करता हूं, टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कितने दिनों में मिल रहे हैं, कब कब मिल रहे हैं, अपॉइंटमेंट अगर ले रहा हूं मैं, अपॉइंटमेंट मिलने से पहले टाइम पे पहुंच जाऊं, मिस ना करूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कॉल प्रोसेस, अंदर जाने के बाद मैं कस्टमर से बात करता हूं, मिलता हूं, बताता हूं, कन्वर्ट करता हूं अपने कस्टमर को। कॉल कन्वर्जन अगर हो रहा है तो मेरे लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर कम्युनिकेशन के, बगैर इंटरेक्शन के आपका कस्टमर कन्वर्ट नहीं हो सकता। इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप उसको पिच कर रहे हैं, किस तरीके से उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं, यह आपके हाथ में। फॉलोअप द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उसी के अंदर में आता है कि कब कब मिलना है, क्या क्या बात करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसको देना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से उसको प्रॉपरली फॉलोअप करेंगे, उसको पिच करेंगे, रेगुलर कन्वर्ट करेंगे। और अच्छा ड्रेस पहने, गेटअप बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, जैसे मैंने बोला डेडिकेट टू डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आपका गेटअप भी आता है, अच्छा दिखें, अच्छा बोलें, अच्छा प्रेजेंट करें आपको, आपकी कंपनी को, आपके प्रोडक्ट को, ताकि वो भी आपको जाने और प्रोडक्ट के बारे में आप भी उसको अच्छे से बता सकें। फिफ्थ अल्फाबेट है एग्जीक्यूट एंड इंप्लीमेंट थ्री सीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3C फॉर्मूला जो मैं हमेशा बोलता हूं, एग्जीक्यूट एंड इंप्लीमेंट 3C, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट एंड कॉन्फिडेंस। अपने कम्युनिकेशन को इस तरीके से बोलें, चाहे हिंदी में बोलें, इंग्लिश में बोलें, अपने मदर लैंग्वेज में बोलें, ताकि आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की भाषा और कंपनी के सेल्स की भाषा बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि ये आया है तो क्यों आया है, मेरे को बेचना चाह रहा है तो क्या बेचना चाह रहा है, क्यों बेचना चाह रहा है। अपने कम्युनिकेशन को इस तरीके से बात करें, इस तरीके से प्रेजेंट करें, ताकि वो समझ जाए कमिटमेंट लेवल, मिलना है, देना है, लेना है, आपको स्कीम्स किस में बात हुई है, डिस्काउंटिंग में कितनी बात हुई है। हो सके तो लिख लीजिए अपनी डायरी में, जब जब मिलेंगे, इंसान की फितरत होती है, याद रखना, भूल जाना,
उसको मिटाने के लिए याद रखा, लिख लिया, जिंदगी भर याद रहेगा आपको। कमिटमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, और कॉन्फिडेंस, जो मैं बोलूंगा अच्छा बोलूंगा, निगाहों को निगाहों में देख के बोलूंगा, हर वक्त हर पॉइंट को तरीके और सलीके से बोलूंगा, ताकि मेरे कस्टमर को यह समझ में आ जाए कि जो बोल रहा है इट इज बोल रहा है, जो अपनी दिल से बोल रहा है, अपने दिमाग से बोल रहा है, सही चीज बोल रहा है। कमिटमेंट, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन। तो एग्जीक्यूट भी अच्छा करें, इंप्लीमेंट भी करें और आगे भी बढ़ें। सिक्स्थ अल्फाबेट जो मैं बोलूंगा एफ, मैक्सिमाइज योर फोकस ऑन योर मिशन, विजन, गोल, अर्निंग द मनी, पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशंस। आपका क्या सपना है, कंपनी कहां जाना चाहती है, किस तरीके से जाना चाहती है, आप उसमें किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए सेल्समैन, अपने टेरिटरी को, अपने हेडक्वार्टर को, अपने रीजन को, अपने एरिया को देखते हुए, ताकि आप भी ग्रो करें, कंपनी भी ग्रो करे। विजन लॉन्ग टर्म के लिए, मिशन शॉर्ट टर्म के लिए, एक साल, डेढ़ साल, छह महीना, आठ महीना, आप भी अपना मिशन तय करें कि मेरा आज टेरिटरी 1 करोड़ का है, कल इसको मैं 2 करोड़ का टेरिटरी बनाऊंगा, 1.5 करोड़ का टेरिटरी बनाऊंगा। आप भी अपने मिशन विजन को टाइमलाइन के साथ मैच करें, ताकि आप भी अच्छा पैसा कमाएं, कंपनी भी आपके साथ अच्छा पैसा कमाए, और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोई सिखाएगा, कोई डांटेगा, कोई रूठेगा, कोई मनाएगा, ये पार्ट ऑफ गेम है। इट्स कॉल्ड एज सेल्स सीक्रेट फॉर योर एक्टिविटी, फॉर योर प्रोसेस। तो ध्यान रहे ये फॉर्मूला, जो ABCDEF फॉर्मूला है, पे अटेंशन टू कस्टमर, बिल्ड द ट्रस्ट, सी क्लियर योर सेल्स मैसेज, डेडिकेट टू डिसिप्लिन, एग्जीक्यूट एंड इंप्लीमेंट थ्री सीज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैक्सिमाइज योर फोकस ऑन मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एंड अर्निंग। ध्यान रहे हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी, हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी, कह दो तो यादें, जी लो तो जिंदगी, और अपनी जिंदगी के लिए ये फॉर्मूला को यूज करें, आगे बढ़ें, आप भी ग्रो करें, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी, हम सब ग्रो करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट।